नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निधि है और आज मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली ने और इसके चित्र बनाए हैं पार्थो सेन गुप्ता ने। कहानी का नाम है जूते और मोजे। मोजों को देख जूतों ने मुंह बनाया, बोले, दूर रहो हमसे, पास मत आना, बहुत बदबू आ रही है तुमसे। जीनत ने मोजों को धोया, फिर धूप में सूखने रख दिया। यह देख जूते चिढ़ गए। एक दिन मोजों से उंगली बाहर झांक रही थी। यह देख जूते मोजों पर हंसे। सोचा कि अब पीछा छूटेगा, इन्हें फेंक दिया जाएगा। मोजों को बुरा लगा, पर जीनत ने उन्हें सुई से सिल दिया। यह देख जूते फिर चिढ़ गए। कुछ दिनों बाद मोजे ढीले हो गए। यह देख जूते बेहद खुश हुए। सोचने लगे कि अब इनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। पर जीनत ने वही मोजे पहने, ऊपर से एक रबड़ लगा ली। यह देख जूते और चिढ़ गए। कुछ दिनों बाद मोजे नीचे से फट गए। फटे मोजों को देख जूते खूब हंसे। बोले, अब कैसे बचोगे। जीनत ने मोजों में रुई भरी, एक से हाथी बनाया, दूसरे से भालू। अब वे घर की अलमारी में सजे थे। जीनत नए मोजे ले आई, उन्हें पहन जूतों में पैर डाला। पता चला कि जूते तो नीचे से फट चुके हैं। जूतों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। मोजे ये सब देख रहे थे, पर वे खुश नहीं थे। तो बताओ दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? चलो अब इस कहानी पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जरा ये सोच कर तो बताओ कि जूतों को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें मोजों से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, अब यह बताओ, क्या आपने मोजों से खिलौने बनाए हैं? और अगर हाँ तो कौन कौन से खिलौने बनाए थे? और अगर कभी नहीं बनाए तो जरा सोचो कैसे कैसे नए खिलौने बना सकते हो। अच्छा दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलूंगी एक और ऐसी ही बढ़िया कहानी के साथ।